नमस्ते, मैं हूँ योगेंद्र, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और साहित्य की चर्चा करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट जो कि यूजीसी नेट के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये लिस्ट हमने बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके। ये वो 10 राइटर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट राइटर है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के 9 नॉवेल में यहाँ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबी, ओल्ड क्यूरियोसिटी साहब, मार्टिन चुजलविट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इनमें ओल्ड क्यूरियोसिटी साहब से कैरेक्टर पूछा गया है, डेविड कॉपरफील्ड से कैरेक्टर पूछा गया है, ब्लीक हाउस से कैरेक्टर पूछा गया है और कोर्ट का नाम पूछा गया है, टेल ऑफ टू सिटीज हार्ड टाइम्स से इसकी बिगिनिंग लास्ट लाइंस पूछी गई हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से पीप का कैरेक्टर पूछा गया है। तो इन 9 नॉवेल्स को आप चार्ल्स डिकेंस से पढ़ेंगे। हमारे लिस्ट में जो दूसरा राइटर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के सारे नॉवेल्स आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। इसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइज एंड प्रेजडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, ये 4 नॉवेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंटेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ इसके 2 अनफिनिश्ड नॉवेल्स हैं, उनके टाइटल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन से क्वेश्चन आया है, इसलिए इसके सभी टाइटल्स आपको याद रखने हैं। और शुरू के 4 यानी कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइज एंड प्रेजडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट करना है। लिस्ट में जो तीसरा राइटर है वो है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट को आप प्रोज में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिक्शन में। फिक्शन में गुलिवर्स ट्रेवल और टेल ऑफ टू सिटीज को हम फिक्शन की कैटेगरी में लेते हैं और इन दोनों ही वर्क से क्वेश्चंस जो हैं फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो गुलिवर ट्रेवल से पूछे जाते हैं, स्पेशली इसके जो 4 पार्ट्स हैं उनके नाम, उनका सीक्वेंस और किस पार्ट में वो किससे मिला था गुलिवर और कहाँ कहाँ गया था। चौथा राइटर जो है इस लिस्ट में वो है टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी का पढ़ने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ डियर वर्वेली। ये वर्क्स आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें, बाकी के आप ब्रीफ में समरी देख करके आगे बढ़ें। पांचवा जो राइटर है वो है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर मींस ईएम फॉस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। इसका जो सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है पैसेज टू इंडिया, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा इसका जो वर्क है अ रूम विद अ व्यू, हार्वर्ड्स एंड, वेयर एंजल फियर टू ट्रीट, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, टाइटल पूछा गया है, ठीक है, कहां से टाइटल लिया गया है ये पूछा गया है, इनके पब्लिकेशन ईयर्स भी पूछे गए हैं, तो इनमें आप देख लें। हमारी लिस्ट में जो 6वां राइटर है, 6th राइटर है जेम्स जॉयस। इसके 2 वर्क्स आपको के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूलिसिस और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन। 4 वर्क मैं यहाँ दे रहा हूँ, 4 वर्क्स जिसमें आपको कंप्लीटली इन्हें करना है। नेक्स्ट डेनियल डिफो है। डेनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2nd नंबर पर आता है इनका मॉल फ्लैंडर्स। बाकी के आपको टाइटल और पब्लिकेशन ईयर देख लेना है। 8वां राइटर जो है वो है शार्लोट ब्रांटी। शार्लोट ब्रांटी का जेन आयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलेटी का केवल टाइटल आप करके निकल सकते हैं। डीएच लॉरेंस 9वां राइटर है हमारी लिस्ट में, जिसका सन्स एंड लवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेनबो, वेमेन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर, ये 4 वर्क मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ जिनमें सन्स एंड लवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके नॉवेल्स की सेटिंग्स है, ठीक है, तो आप इन नॉवेल्स की सेटिंग्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर देख लें। और लास्ट राइटर जो इस लिस्ट में है वो है जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड का लार्ड जिम, नॉस्ट्रोमो,
अंडर द वेस्टर्न आई और हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, इन्हें आपको डिटेल में देखना है, बाकी को शॉर्ट में समरी देख करके निकल जाना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कौन से और वीडियो चाहिए, क्या जानकारी हमारी तरफ से चाहिए, इसे भी कमेंट में लिखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।